माय डियर, सबसे पहले मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाऊंगा। जिनका बेसिक क्लियर है वो चुपचाप सुनेंगे और जिनको क्लियर नहीं होता है उनको सीखने देंगे। तो अगर हम लॉस ऑफ एक्सपेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो लॉस ऑफ एक्सपेरेंट्स में सबसे पहला हमारा आता है, इफ द बेस एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन आर सेम देन, पहला पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि आपने टू को और फिर टू को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर जो हमारे पास वन है वो इसकी एक्सपोनेंट है। मतलब अगर हम ए की पावर एम बोलें तो एम का मतलब है एक्सपोनेंट और ए का मतलब है बेस। तो इफ़ द बेस एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन आर सेम देन, देन क्या होना चाहिए? देखो, आप इसको अगर लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज़ टू की पावर वन प्लस वन प्लस वन एंड दैट इज इक्वल टू टू की पावर थ्री। इट मीन्स व्हेन यू विल राइट द क्यूब ऑफ टू दैट विल बी एट। सो मीन्स व्हाट वी हैव स्टडीड हेयर, वॉट एवर द पावर विल बी एडेड इफ द बेस आर सेम। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, टू रिज टू द पावर फाइव इज मल्टीप्लाइड विथ टू रिज टू द पावर थ्री। सो हेयर यू कैन से दैट दिस इज टू रिज टू द पावर फाइव प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू टू रिज टू द पावर एट। इफ फाइव रिज टू द पावर थ्री इंटू फाइव रिज टू द पावर टू इंटू टू रिज टू द पावर थ्री इंटू टू रिज टू द पावर सेवन। सो यू कैन नॉट एड ऑल द एक्सपोनेंट्स इन दिस केस। वॉट यू विल सी दैट दीज आर द हैविंग सेम बेस एंड दीज टू टर्म्स आर हैविंग द सेम बेस। तो इफ वी हैव सेम बेस देन वी कैन यूज इट, फाइव रिज टू द पावर थ्री प्लस टू इन टू द अनदर केस टू रिज टू द पावर थ्री प्लस सेवन। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइव रिज टू द पावर फाइव इंटू टू रिज टू द पावर टेन। सो इन दिस केस वी कैन नॉट सिंप्लीफाई दिस, वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, इज कॉल्ड when you will write the prime numbers with their powers, so it means you got the prime factors. Clear hai? One more example I am giving to you, give me the answer. This is 2 raised to the power 5 into 8 raised to the power 2 into 3 raised to the power 7 into 3 raised to the power 2 into 16. So what should be the solution of this problem, my dear? अगर मैं कहूँ कि अभी आपको ये समझ कम आएगा तो उसका रीज़न है, दिस इज़ टू द बेस फाइव बट दिस बेस इज एट विच इज़ पॉसिबल टू राइट टू द पावर थ्री द पावर टू, राइट रॉन्ग। एंड दिस इज थ्री द पावर सेवन, दिस इज थ्री द पावर टू एंड सिक्सटीन इज इक्वल टू टू रिज टू द पावर फोर। सो फाइनली वट यू कैन डू, यू कैन से दैट हाउ मेनी बेस यू हैव, बेस टू एंड बेस थ्री। So you will select that the base 2, the power is 5. So here this power, one is inside the bracket, another is outside the bracket, will be multiplied. So 3 2 is 6 and to the power 4. Then the base 3, the power is 7 plus 2. So this solution must be to the power 11 plus 4, 15, and this is 3 to the power 7 plus 2, 9. So please note down, is the first point you have to understand. If the base are same, the power will be added at the time of multiplications. So I have taught you, if the base at the time of multiplication are same, then the exponents will be added. Added. Note करिए सर, प्लीज एक बार चैट एक बार चेक कर लीजिए दिलीप से प्लीज। ओके सर।
Sai, I have already started the recording of this. चलिए अब आते हैं हमारे पास कि ये तो था एट द टाइम ऑफ व्हाट मल्टीप्लिकेशन, अब नाउ द टाइम एट द टाइम ऑफ डिवीजन. अच्छा अगर आप लोगों के कैमरे खुले होंगे तो आपको मैं देखूंगा तो आपको नजर लग जाती है क्या, या कोरोना हो जाएगा देखने से? सर सर जैसे हमारे पास इसमें 8 है, हाँ उसकी जगह हमारे पास कोई प्राइम नंबर हो तो क्या लिखेंगे? बेटे जो प्राइम नंबर होता है उसको फैक्टराइज नहीं करते, उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं और उसको ग्रुपिंग करते हैं. अगर उसके जैसा कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो वी कैन यूज़ दैट एज अ बेस, और अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो दैट विल बी सेपरेटली. एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं. जैसे मान लीजिए आपने प्राइम नंबर की बात की, अब प्राइम नंबर आपको समझ भी आता है, अब तो नंबर सिस्टम ऐसा समझ आ गया कि नंबर्स में आप बोलने लगे हैं कि प्राइम नंबर एंड ऑल. मान लीजिए कि आपके पास ये 17 है की पावर 3 है और ये 15 की पावर 2 है और ये 3 की पावर 2 है और ये 5 की पावर 3 है. सपोज़ ये आपकी प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम में बेटा 17 ऑल्सो अ प्राइम नंबर, सो वी कैन नॉट सॉल्व 17 बिकॉज 17 वन जा 17 होता है, लेकिन 15 जो है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है, जिसमें हम लिख सकते हैं दिस इज 3 इंटू में 5 की पावर 2 और फिर हमारे पास 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है. अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ दिखाई देने लग गया होगा क्या कि यहाँ 3 और 5 का बेस है और यहाँ भी 3 और 5 का बेस है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारे पास 3 बेस हो गए, 3, 5 और 17. तो मैं कहूँगा कि मेरे पास 3 का बेस जो है उसकी पावर 2 तो मुझे यहाँ दिख रही है, लेकिन ये जो पावर है वो इस 3 की भी पावर है, तो इसका मतलब है प्लस 2 हो जाएगा. फिर इंटू में 5 का बेस है तो 5 की पावर बाहर 3 दिख रही है, तो अंदर क्या होगी, ये पावर इसकी भी है, सो दिस इज प्लस 2 एंड देन वी हैव 17 की पावर 3. 17 को हमेशा लास्ट में, हाँ बेटा वो एक बड़े टर्म है ना, जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 होता है. yes, और उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन. तो जब हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ करते हैं, इन्फिनिटी लेवल तक. ओके आई होप आपकी बात आपको क्लियर हो गई होगी. यस सर. ठीक है, वेरी गुड. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोल. सर ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे? हाँ ये भी हमारा एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, लेकिन इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम सॉल्यूशन दे रहे हैं कि हाउ टू वर्क डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स व्हेन दे हैव डिफरेंट एक्सपोनेंट्स. सो हमने करना क्या होता है कि प्राइम नंबर को तो हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, इट इज़ ऑलरेडी अ लास्ट फैक्टर, ठीक है, और इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे भी तो दूसरा फैक्टर 1 होगा और 1 से किसी वैल्यू में कोई चेंज आता नहीं है. तो इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली बात ये हुई कि हम प्राइम नंबर्स को फैक्टराइज करते ही नहीं हैं, हम तो ये देखते हैं कि जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है, उसको फैक्टराइज करते हैं ताकि हम प्राइम फैक्टर्स के बेस पर एक्सपोनेंट्स को यूज़ कर सकें. अंडरस्टूड? जैसे मैं आपको दोबारा बता, yes, मैं एक और सर, हाँ हाँ बोलो बोलो. वही प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है. जैसे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, मैंने आपसे कहा 16 क्या है, क्या ये प्राइम नंबर है, इज इट प्राइम नंबर? बोलो, इज इट प्राइम नंबर? नो सर, है ना, आपका आंसर आया नो सर. तो इसका मतलब है वी नीड टू फैक्टराइज इट, सो वी नो दैट हाउ टू फैक्टराइज. सो व्हेन 16 वी विल फैक्टराइज, यू विल राइट टू द फर्स्ट प्राइम नंबर विल डिवाइड इट इफ इट कैन, सो इट विल बी 8, देन अगेन बाय 2 इट विल बी 4, देन अगेन बाय 2 इट विल बी 2, एंड देन अगेन बाय 2, एंड फाइनली व्हेन यू विल हैव 1 एट लास्ट, इट मींस यू फैक्टराइज्ड द नंबर व्हिच वाज नॉट प्राइम नंबर. So 16 you can write is equal to how many times you multiply 2? 4 times. So here you will see that every time the prime number which is a base, that is 2, but the base are same and the powers are added. So this becomes 2 to the power 4 and that is always equal to 16. So from 16 we started, this is the prime factorization. This is prime factorization.
राइट. एंड इन प्राइम फैक्टराइजेशन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, बेस बेस शुड बी अ प्राइम नंबर. जो बेस है वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए. प्राइम नंबर. हाँ ठीक है. थैंक यू सर. आया पक्का समझ में? यस सर. ओके ओके. अब बेस तो मैं आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना, कि आप कभी फ्यूचर में किसी को सिखाना भी चाहोगे, कोई बात बताना भी चाहोगे ना, तो आप कहोगे सर अच्छा हुआ नाइन्थ क्लास में दिलीप सर मिल गए, है ना? आप खुश है ना मेरे से? बहुत बहुत खुश है. आपसे पढ़ने से मिल रहा है. अच्छा कोरोना की वजह से मुझसे पढ़ने का मौका, ये बात तो सच है भाई. अगर कोरोना ना होता तो मैं ये सब नाइन्थ टेंथ छोटी मोटी क्लासेस थी मेरे लिए, मतलब पढ़ा ही नहीं पा रहा था मैं इसे. लेकिन अब मैंने मतलब मज़ा आ रहा है आप लोगों के संग काम करने में, तो मैंने परमानेंटली डिसाइड कर लिया कि मैं नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करूँगा. इवन आगे जाके मैं एट्थ के बच्चों को भी पढ़ाऊँगा, ताकि उनका बेसिक एट्थ से ही और अच्छा हो जाए. वैसे आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं. आइए एक और बेस देखते हैं. बोलो इतना समझ आया ना बेटा? बहुत बढ़िया. सबके कैमरे स्टार्ट हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन मैं और खुश हो जाऊंगा. जैसे अलमान अली को नज़र लग सकती है, कबीर यादव को नज़र लग सकती है ना. इन्होंने इन्होंने मेरे ख्याल से मेकअप कर रखा होता है तो फिर ये सुंदर ज़्यादा लग रहे होते हैं, है ना. दीपांशु को लगता है कि कोई घूर ना ले. सिदक ब्रिज जी की आलत वडे सिदक जी चंगे ने वधिया. ओके, मतलब सिदक जी ने थम्स अप दिखा दिया कि हाँ सर बढ़िया मस्त. ओके चलिए. हाँ अब आगे पढ़ते हैं, मस्ती भी करेंगे सर. बहुत मजाक है, टैलेंट बहुत है सर के अंदर. आइए पहले मैथ्स वाले टैलेंट पे काम करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं. इफ द बेस बेसिस आर सेम एट द टाइम ऑफ डिवीजन, देन के बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं यार कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर तो सीधे सीधे 4 आएगा. लेकिन अगर मैं इसे कहूँ कि जो 8 है वो प्राइम नंबर तो है नहीं, तो फिर एक्सपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? तो मैं इसे ऐसे कह सकता हूँ कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2^3. यस और नो? यस सर. हाउ? यस सर. सिंपली फैक्टराइज. दिस इज 2 इनटू में 4 एंड 4 इज डिवाइडेड बाय 2 इनटू में 2. सो दीज आर द लास्ट रूट ऑफ दिस ट्री. सो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द थ्री फैक्टर्स. सो 2^3 एंड दिस इज अपॉन 2. सो वी कैन से इफ वी विल राइट दिस टर्म इनटू is equal to 2 into 2 into 2 upon 2, you will see that the answer will be 4. You cancel this. So 1 is cancelled. Cancel means subtracted from the 3 power. So this 4 is equal to what? 2^2. So see, from this level, the answer is yours in exponential form, that is 2^2. So you had the 1 power is also here. So what you can do in this case, you can subtract this 1 from 3, that directly you will get 2^2. No need to show like this. So you can say 2^3 upon 2^1 will be equal to 2^3 minus 1. So that is equal to 2^2. So what we learned here, if the bases are same at the time of division, then we subtract the exponents are subtracted. Exponents are subtracted. Understood? Yes, sir. बहुत बढ़िया. उतारते जाओ, आपको मैं बना दूंगा, बिल्कुल रॉकेट बना दूंगा. एक बार एक लेडीज से पूछा, भाई तुम्हारी कार में इतने सारे पार्ट्स में इंजरी कैसे हुई, टूटे कैसे? तो उसने अभी ड्राइव करना नया नया सीखा था, तो उसने 4 गियर डाल दिए. तो बोली वो ना उस पर एक रॉकेट वाला गियर लिखा हुआ था, तो मैंने 4th गियर के बाद रॉकेट वाला गियर डाल दिया. मैंने कि रॉकेट की तरह गाड़ी जाएगी, और इसलिए खड़खड़ 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 सारे गियर बॉक्स वगैरह टूट गया. डॉक्टर साहब ने कहा वो आर जो लिखा होता है ना, वो रिवर्स गियर के लिए लिखा होता है, रॉकेट नहीं होता.
तो उसने उसको धूम की वाइफ वाइफ समझ के कार रेस में डाल दिया। तो एनी हाउ ऐसा नहीं करना है, कुछ बैक स्टेप को भी हमें देखना है कि बैक कैसे करते हैं और फॉरवर्ड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने बैक और फॉरवर्ड सब दिखा दिया आपको। तो आपको क्या समझ आया, इफ द बेसिस आर सेम एट द टाइम ऑफ डिवीजन देन द एक्सपोनेंट्स आर सबट्रैक्टेड। वेरी गुड। अब हम एक और चीज़ देखते हैं इसके अंदर। अब इतना मज़ा आ रहा है तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। तो देखो, इफ अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा क्वेश्चन होता 2/16, तो मैं इसे सिंपलीफाई करता तो क्या आंसर आता? तो मैं इसे आंसर आता सर ये आ जाता 1/8। बट ये तो मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, मैं एक्सपोनेंट्स वाला तो ऑपरेशन कोई कर ही नहीं रहा। अगर मैं ऑपरेशन एक्सपोनेंट वाला करूंगा तो दिस इज आपने क्या गलती कभी नहीं करनी, ये नहीं सोचना है कि बड़ी पावर में छोटी पावर को घटाना है। नो ऑलवेज आपने क्या करना है कि अगर आपका ये फ्रैक्शन है और ये इक्वल टू ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन है, तो माय डियर इसका जो सोल्यूशन होगा वो ए की पावर एम माइनस एन ही रहेगा, कभी एन माइनस एम नहीं हो जाएगा। आपने इस बात की केयर नहीं करनी है कि नंबर कैसे हैं, बस केयर ये करना है कि जो न्यूमरेटर में पावर होती है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, छोटा बड़ा कोई नहीं, बस सब्ट्रैक्ट कौन होगा, जो डिनोमिनेटर में पावर होगी चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो। तो इसलिए हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया। अब आप बताओ 1 में से 4 गया तो कितना बचा? -3। अब -3 को आप इसके इक्वल कैसे रिलेट करेंगे? तो माइनस की जो भी पावर होती है वो वैल्यू एक्चुअली न्यूमरेटर पावर होती ही नहीं है, वो डिनोमिनेटर पावर होती है। रेसिप्रोकल नहीं बोलते इसे, इसे रेसिप्रोकल नहीं बोलते। रेसिप्रोकल बोलने से क्या होगा, 1/2 की पावर -3 ही रह जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव पावर को एलिमिनेट करने का तरीका सीखना है। तो जब आप कोई नेगेटिव पावर होती है तो बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। किसका? बेस का। हाँ, तो आपने तो सिर्फ रेसिप्रोकल बोला। तो नेगेटिव पावर, इफ द पावर इज नेगेटिव, इफ द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, देन द बेस विल बी रेसिप्रोकल। Only base, right? To convert into positive exponents. तो अब हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारी m की पावर माइनस एन है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? This is 1/m raised to the power n. Yes or no? आ गई बात समझ सर? सर अलमान साहब जी, सर इंदो, इंदो बोलो सर, इसमें मतलब कुछ मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि अगर जैसे ऑड नंबर है, अगर एक्सपोनेंट ऑड है और उसकी पावर नेगेटिव है तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। बट सर वो पता है क्या है, कुछ कंफ्यूजन है? नहीं, एक्चुअली हमें दो दो बातें एक साथ जोड़नी नहीं। एक्सपोनेंट मीन्स एक्सपोनेंट, नो इवन नो ऐड, नो मैटर। एक्सपोनेंट बेसिकली एक इंटीजर हमारे पास है। क्या है इंटीजर? आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, तो आप समझिए एक्सपोनेंट एक इंटीजर है। सर आपका माइक बंद है, सर आपका माइक म्यूट है। ओके ओके सॉरी। एक्सपोनेंट जो है वो एक इंटीजर है। एक्सपोनेंट क्या है? एक इंटीजर है। अब वो इंटीजर अगर पॉजिटिव है तो किसी रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं है। अगर वो इंटीजर ही नेगेटिव है तो उस नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक होते हैं।
तो हम ये चाह रहे हैं कि जो इंटीजर हमारा हमारे पास नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या किया जाए। बस एक ही बात याद रखना, वो नंबर इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, नो मैटर, राइट और रॉन्ग, नंबर कोई हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो वो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट होने के लिए वो अगर न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। बस इतना से समझना है, उस समय रेसिप्रोकल बेस का होगा। ओके सर, इतनी बात समझ आ गई? यस सर। भूमिका बेटा, यस सर। ओके यस सर। कितने अच्छे लगते जब आप लोगों के कैमरे ऑन होते हैं। ये लो, फिर चले गए कुछ बच्चे बुरखे में, इन्हें मंगवा के दूंगा बुरखा मैं। सो आगे अलमान भाईजान, क्या चक्कर है, थोड़ी थोड़ी देर में कैमरा बंद कर। सर नेट लो है। अच्छा अब अच्छा मेरे अच्छा एक बात बताओ, नेट मतलब अपने आप ही कैमरा बंद कर देता है? तो हमें ये बात भी समझ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ तक तो क्लियर हो गया, कुछ और देखें? सर जो पिछली स्लाइड में हमारा 2 माइनस 3 जो माइनस 3 एक्सपोनेंट था तो उसमें 1/2 और 3 होगा तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा। अभी देखो, अभी धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा, जरा देखते जाओ। अगर हमारे पास मान लीजिए 5/4 की पावर -5 है और आपसे बोलता है कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, बस इतना बोलता है कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो भैया पॉजिटिव एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना है। मींस आपके नंबर लाइन पर जो इंटीजर -5 है उसका पॉजिटिव क्या होगा? 5। तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट को जब आप पॉजिटिव कर रहे हैं, ये आपका क्या है इस समय में, क्या बता रहा हूँ आपको? एक्सपोनेंट। और ये भी क्या है? एक्सपोनेंट। तो जब आप एक्सपोनेंट को नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे तो इस समय सिर्फ कोई नहीं, नंबर सेम रहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ बेस होगा, रैशनल नंबर होगा, है ना? यस सर। तो बेस क्या है इस एक्सपोनेंट का? 5/4। तो आपका जो 5/4 है जिसकी पावर -5 है उसे आप 4/5 की पावर 5 लिखेंगे। अंडरस्टूड? यस सर। अलमान जी बात yes, समझ आ गई? यस सर। भूमि का बच्चे क्लियर है? यस सर। दीपांशु अंकल? यस सर। पक्का? यार मुझे अंकल मत बोलो यार, गलत बात है। हाँ एनी हाउ, कोई नहीं, हम एक मंदिर में जाते हैं वहाँ पर सबको अंकल आंटी ही बोलते हैं, 5 साल के बच्चे को भी अंकल बोलते हैं। ठीक है, पहली बार तो मैं अपने बेटे को मंदिर लेके गया तो वहाँ पर उसने किसी ने कहा अंकल लाइन में चलो, तो देख रहा मेरा बेटा अंकल मैं, तो डोंट माइंड, मजाक कर रहे हैं, आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी आपको मैंने इंटेलिजेंट बनाना है इसलिए धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, मेरे को ना जल्दी जल्दी पढ़ाना आता है, जो मैं बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ ना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। अब मुझे बताओ कि अगर ये 2/2 है तो इसका आंसर क्या होगा? 1/1 अच्छा आपने बोला 1 और एक लड़के ने बोला नीलांश ने 1/1 और मैंने बोला सर 2^(1-1) सर 1 आएगा। नहीं मुझे ये नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सर सही बोल रहे, सही बोल रहे। तो यार फिर सॉल्व करते हैं इसे, तो ये क्या आया? 2^0=1 है ना। एक और देखते हैं यार, x/x इसका आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर 1 ही आएगा, x आएगा। x टू द पावर 0
ये भी ऐसे ही आएगा, अरे x क्यों आएगा इन लांस, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन. तो हम यहाँ लिखते हैं इफ n रूट टू द पावर जीरो, ठीक है, इफ n की पावर जीरो देन इट इज ऑलवेज वन वन, इट इज ऑलवेज वन. अब n क्या है, कुछ भी हो सकता है, n कोई इंटीजर भी हो सकता है, n कोई नेचुरल नंबर भी हो सकता है, और नेचुरल नंबर भी इंटीजर होते हैं. यस और नो? सर इरेशनल नंबर भी हो सकता है ना? yes, क्या? और n इरेशनल नंबर भी हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन जब इरेशनल नंबर होगा ना तो वो रैशनल में कन्वर्ट हो चुका होगा. दिखाता हूँ, रूट टू अपॉन रूट टू, क्या बोलोगे इसे आप? वन. सर वन बोलने को तो यही बोलोगे ना? यस सर. अब इसे वन क्यों नहीं बोल सकते, वन ही तो है ये. यस सर. और ये बेसिकली जब टू अपॉन टू है तो इसके अंदर क्या हुआ, ये एक रैशनल नंबर बन गया, बन गया ना. बताया बताया भी तो था, इरेशनल का डिवाइड होता है तो रैशनल आता है. नहीं नहीं सर, रैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है. हाँ हाँ सॉरी, लेकिन इस केस में तो हमेशा रैशनल आएगा. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम रहेंगे तभी तो ये प्रॉपर्टी बनेगी. और सर अलग होंगे तो ये प्रॉपर्टी बनेगी नहीं. ओके सर. तब एन की पावर जीरो का मतलब कोई रह नहीं जाएगा. और जीरो आता कब है? जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम होती है. आई होप समझ आ रही बात. yes, सभी बच्चों को आवाज अच्छी आ रही है? ओके. सिद्धकप्रीत जी कितने तुम्हारा कैमरा? यार तुम न्याणे हो सारे के सारे. हाँ जी, बोलते बोलते नहीं समझ आता है. सिद्धक समझ आ रहा ना बेटा? ठीक. yes, बोल दिया करो, शर्माया मत करो यार. ये शर्माने की उम्र थोड़ी नहीं, तो मस्ती करने की उम्र है. मैथमेटिक्स में मस्ती. चश्मा उतार के बताओ, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ. पढ़ाते पढ़ाते आदमी पागल हो जाता है. एक कमरे के अंदर सारा दिन रहोगे तो ऐसा हो ही जाएगा. आइए अब थोड़ा सा पढ़ लिया जो पढ़ना था, आपको सवालों की तरफ लेके चलते हैं. सॉल्व करना है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो भैया अगर आपके पास 5 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3 है और इवैल्यूएट बोला है ना, तो बेटा ध्यान से सुन लेना. यहां इवैल्यूएट का मतलब हो जाएगा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब कोई पावर वावर नहीं शो करनी है, बस सॉल्व करना है. तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सर 5 की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5 विच मीन्स इज इक्वल टू 5 5 से 25 इंटू में 5 इज इक्वल टू 125 into 5 is equal to 625 into 3125. आया समझ? जब evaluate बोलेगा तो आपने complete number का answer लाना है. ओके सर. दूसरा, evaluate each of the following में second question है हमारे पास. 2 upon 11 raised to the power 4 into 11 upon 3 raised to the power 2 into 3 upon 2 raised to the power 3. अब आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है. आपके पास बेस कौन कौन से हैं, ईमानदारी से बताओ. 2 upon 11 11 upon 3 3 upon 2. ये तो सबको दिखाई दे रहा है, जो देखने वाली चीज है वो तो देखी नहीं. The actual base of the problem are 3.
those three are 2, 3, and 11, not 2 by 11, 11 by 3 and 3 by 2. यहाँ ये सीख रहे हैं, देखो क्या बोल सकते हो, दिस इज 2 to the power 4 एंड 11 to the power 4 ऑल्सो, क्लियर है? दिस इज 11 to the power 2 एंड दिस इज 3 to the power 2, ओके? यस सर. 3 to the power 3 एंड 2 to the power 3, बोलो क्लियर है? यस सर. अब रिएक्शन करते हैं. यस सर. 2 to the power 4 ऊपर है और नीचे है, तो जब जो नीचे होता है तो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट. यस सर. 3 के बेस पे चलते हैं, 3 to the power 3 ऊपर है और नीचे 2 है. अब 11 पे चलते हैं, 11 to the power 2 है और नीचे 4 है, तो नीचे वाली जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे बेस में, जहाँ जहाँ बेस सेम होंगे. तो हमारे पास 2 to the power कितनी बची बेटा? 1. 2 to the power 1. 3 to the power कितनी बची बेटा? 1. 11 to the power कितनी बची? -2. ये तो गड़बड़ हो गई, इवैल्यूएट कैसे होगा? माइनस को कहाँ जाना पड़ेगा? नीचे, डिनोमिनेटर में. तो ये हो गया 2, 3 जा 6, और ये नीचे हो गया 11 to the power 2. बोलो क्लियर है? यस सर. 11 इनटू में 11 21 दिस इज नाउ इवैल्यूएट. अच्छा बेटा यहाँ तक समझ आया? यस सर. अरे भूमिका पूछ लिया, भूमिका से बता दिया. भूमिका यहाँ तक समझ आया? 2 to the power 4 - 3 वाला? हाँ सर, बस लास्ट वाला ही समझ नहीं आया, बाकी तो सब आ गया. ओके देख बेटा, 4 में से 3 किया 1 आ गया, 3 में से 2 किया 1 आ गया, 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा ना. और अभी अभी हमने क्या सिखाया था, अगर a की पावर माइनस एम है और ये a अपॉन 1 है, तो ये 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा ना. ओके तो 11 की पावर माइनस 2 है तो नीचे 11 आएगा ना. हाँ सर, आ गया. आ गया, आके चला गया क्या? सर समझ गई, आ गया. चलो अंडरस्टूड, नोट करें, शाबाश शाबाश, नोट करें. नहीं भी करना है तो अपन तुमको भेज देंगे, आपको मालूम है. ओए भेजता नहीं हूँ. कौन कह रहा है? यार भेजता तो हूँ. अब ऐसे ऐसे आरोप लगाओगे आप सर पे. कौन बोला था नहीं भेजते? हाँ भाई, नहीं भेजता क्या? पिछली क्लास का नहीं भेजा मैंने? सर भेजा था. उससे पिछली क्लास का? सर भेजा. सर भेजा था. तो भेजा था तो तुम्हारा भेजा कहाँ गया? सर हमने नहीं बोला, ये खुद ही नहीं आया होगा. तभी तो कहता हूँ कैमरे ऑन. करा भेजते तो नहीं. भूमिका सोनी जी, आपका कैमरा ऑन नहीं है. कबीर जी, चलो जी इस सवाल को देखें. बताओ कितने बेस हैं इसमें? बताओ कितने बेस हैं सर इसमें? चार नहीं है बेटा. बेस जब भी बनाओगे प्राइम नंबर से शुरू करोगे, यानी कि 2 है 3 और 5 है. 1 को बेस नहीं मानते हम. तो हमारे पास ये हो गया सर 1 upon 2 to the power 5 और ये हो गया -2 to the power 4 or 3 to the power 4. ठीक है जी? यस सर. यस सर. यस सर. ये समझ आ रहा है? यस सर. डायरेक्टली 5/3 नहीं लिख सकते? नहीं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ.
मेरे को ना आता नहीं है मैथमेटिक्स, तो धीरे धीरे करता हूँ, नंबर मिलते हैं स्टेप के, समझ गए? डायरेक्टली चाइना अगर इंडिया से बात ना करे तो वो तो परमाणु फेंक देगा, बात करने से सलूशन निकलता है, डायरेक्ट नहीं होता है। अब देखो, अब ये जो माइनस टू है वो कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? चार, चार बार। तो जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो दो बार मल्टीप्लाई होने के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव, और तीन बार मल्टीप्लाई पे फिर नेगेटिव, नेगेटिव, और चार बार मल्टीप्लाई पे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव टू ही बन जाएगा। yes, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो सर, फाइव जो थ्री पावर थ्री और अपॉन फाइव है, तो सर फाइव की फाइव का एक्सपोनेंट। अच्छा अच्छा, सॉरी, अपन इधर भूल गए थे, ध्यान नहीं दिया था मैंने। और ये माइनस फाइव है तो ये यहाँ चला जाएगा, मैंने उधर ध्यान दिया नहीं। ओके, क्लियर है? यस सर, यस सर। अब यहाँ तक ओके? यस सर, यस सर। बीच में मजाक करने लग गया ना मैं, तो ध्यान मजाक में चला जाता है ऐसे। मजाक करना भी जरूरी है भाई, पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाता आदमी। अब देखो, टू का बेस है फोर और माइनस फाइव, ठीक है, और थ्री का बेस क्या है? नीचे है फोर और वन फाइव, राइट रॉन्ग? तो ये थ्री है, नीचे है तो नीचे रखो उसे, मार्क्स मिलते हैं प्रॉपरली इसके, और ये फाइव। अब इसे हम सॉल्व करें तो टू का बेस क्या हो गया? माइनस वन इंटू वन अपॉन थ्री की पावर फाइव इंटू फाइव, तो ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू, और थ्री की पावर फाइव का मतलब होता है 243। अब कोई नेगेटिविटी वगैरह कुछ नहीं है, दिस इज फाइव अपॉन कितना होगा? 486। क्लियर है? yes, सबको समझ आ रही है चीजें? yes, बहुत बढ़िया बच्चे हैं आप लोग, फटाफट समझ जाते हैं, पूछते ही नहीं दोबारा। आइए मेहनत पे काम शुरू किया जाए। अब थोड़ा सा और इसे नोट कर लिया है दिलीप सर ने, भेज देते हैं दिलीप सर थोड़ी देर में। आपको डराऊं सवालों से? डराऊं? डरा दो सर। हैं? डरा दो। अभी डराता हूँ, ठहर जाओ। हॉरर मूवी अच्छी लगती है। हैं? हॉरर मूवी अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हॉरर मूवी? तो शीशा देखो। चलो जी, आपको अब डराने का काम शुरू करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाले सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 512। अगर 2 की पावर x को 512 के बराबर बोला जाए तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अब आप मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन है, 2 या 5 और 2? 2। तो फिर हम 5 और 2 को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो अपन, हाँ, तो हम इसमें 5 और 2 को फैक्टराइज करेंगे। 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 जा मैं जाऊँ सब जाएँ, धीरे धीरे सारे के सारे चले जाएँ, जब भी जाएँ 2 से जाएँ, 2 2 करके ही जाएँ, कहीं ना कहीं ज़रूर जाएँ, आने जाने से बचें, कुल मिलाकर पहुँच जाएँ, जगह ख़त्म हो गई पहुँच गए। ठीक है जी, तो कितने लोग पहुंच गए यहाँ पर? अरे सारे के सारे 2 हैं यार। तो हमारे पास क्या हुआ? 2 to the power x is equal to 512 is equal to 2 to the power what? 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब बताओ
दिस टू इज इक्वल टू टू, सो बेस आर सेम, सो पावर्स मस्ट बी इक्वल, राइट रॉन्ग? सो एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 9. तो आसान सवाल करा दिया सर ने. यस सर. अभी यार एकदम से मुश्किल नहीं करा सकते ना, बच्चे बेहोश हो जाएंगे. एक और देखते हैं. मिटा दूं? यस सर. सर एक मिनट. भूमिका कहाँ रहते हो आप? अशोक विहार? नहीं, नजफगढ़. नजफगढ़ रहते. अलवान आप कहाँ रहते हैं? सर अशोक विहार. ओके, अशोक विहार से कितने बच्चे आते हैं? दो चार बच्चे होंगे. आइए एक और सवाल देखते हैं. नाइन की पावर, इफ नाइन की पावर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 720 प्लस 90 टू द पावर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो सर हम क्या करें, नाइन तो प्राइम नंबर नहीं है. नहीं है ना सर? एक बार ही हमें करने दो. सच्ची सब करके देखते हैं. चलो यार देख देख के करो, तुम ही करो यार, बस करो. नहीं आ रहा तो आप ही कह रहे थे करके देख ले. नहीं निकल रहा. अब मेरी बारी है क्या? यस सर. आ जाओ. आपने पढ़ा था कि पावर ऐड होती हैं तो वो क्या होती हैं, बेस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन होता है. तो इसका मतलब हुआ 9 की पावर x इनटू में 9 की पावर 2 होगी, तभी तो x प्लस 2 हुआ होगा. यस सर. This is 720 plus 9 की पावर x. तो सॉल्व कर लेते हैं इसे. 9 की पावर x into 9 की पावर 2 is equal to 81, right? Yes sir. Is equal to 720. Clear है? Yes sir. Plus 9 की पावर x. कोई doubt? No sir. अब हमारे पास जो सिचुएशन आती है. हाँ बोलो सर. ये 9 की पावर x प्लस 2 था. हाँ. तो हमने इसको मतलब बीच में जो प्लस का साइन था वो मल्टीप्लाई करने पर प्लस हो जाएगा, इसलिए ऐसे किया है. अरे अभी तो पढ़ाया था, अगर a की पावर m होगी
इनटू में ए की पावर एन होगी तभी तो ए की पावर एम प्लस एन होगी, और जब एक्सपोनेंट्स में प्लस है तो इसका मतलब है बेस में तो मल्टीप्लाई होगा ना। अब आया सर? नहीं ये नहीं, मतलब 9x इनटू 9 की पावर 2 की है हमने, हाँ उसमें पर क्वेश्चन में 9 की पावर x प्लस 2 था तो बेटा उसे अलग अलग कर दिया ना, 9 के साथ x रहने दिया, और जो 9 की पावर 2 की है वो इसी वजह से किया है बेटा। जब हमारे पास किसी भी का जो साइन था वो सुन लो ये जब भी दो पावर पॉजिटिव साइन में होती हैं तो ये दो अलग अलग बेस की पावर है, मतलब बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो बेस तो सेम है तो इसका भी बेस क्या होगा, ऐसा होगा ना? Yes, sir. तभी तो ऐसा होगा, होगा ना? Yes, तो जब sir. दो पावर ऐड होती हैं तो इसका मतलब है बेस सेम होता है और पावर अलग अलग होती हैं। क्लियर? Yes, sir. भूमिका, भूमि, ओके अभी समझ आया नहीं आया? हाँ सर चलो फिर आइए देखते हैं कि ये 9 की पावर x है, इनटू में 9 की पावर 2 ही रहने देते हैं, तो 9 की पावर x को अगर हम यहाँ ले आए तो राइट में क्या रह गया 720, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम दोनों में 9 की पावर x है कॉमन कर देते हैं तो अंदर बचा 9 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 720, ठीक है? बोलो। यस सर। यस सर। अब 9 की पावर x और 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। यस सर। दिस इज 9 की पावर x इज इक्वल टू 720 अपॉन 80। 8 9 72। अब 9 की पावर x इज इक्वल टू 9 की पावर 1 तो x की वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज योर आंसर। आया समझ? यस सर। कोई दिक्कत? जल्दी मत करो, मैं सिखा रहा हूँ आपको धीरे धीरे ना। सर के साथ टाइम का पता नहीं लगता ना। यस सर। तो अनुज पापा पूछते हैं कैसा पढ़ाते हैं सर, हैं? यस सर। पापा पूछते हैं सर कैसा पढ़ा रहे हैं। यस सर। क्या कहते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं? यस सर, बहुत अच्छा। अच्छा स्कूल से और सर में ये डिफरेंस है ना, सर बहुत आराम आराम से बताते हैं। यस सर। चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। अब देखो भाई जरा इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पे बेस क्या है, 2 है और ये एक प्राइम नंबर है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर छेड़ने की जरूरत है तो किसको है? 256। तो 256 को अपन फैक्टराइज करते हैं। 256 है ना, 2 1 2 2 2 4 2 8 2 से फिर करेंगे 64 आएगा। यार मैं तेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ यार। सर आपने पिछले क्वेश्चन में मैं तो कह रहा 256 आया था तो यार मैं उतना भी इंटेलिजेंट नहीं हूँ यार। अनु सबको पढ़ाना है ना यार, मैं अपने दिमाग से पढ़ाऊंगा तू भाग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसका मतलब है वी कैन राइट दिस इज 2 द पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 द पावर 8, यस और नो? यस। अगर हम कहें कि 2 इज इक्वल टू 2 है तो क्या हम कह पाएंगे कि इफ 2 इज इक्वल टू 2 देन x माइनस 5 इज इक्वल टू व्हाट? 8 माइनस 5। शट अप।
सर 8 प्लस 5। यस, सो एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 5। तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट? या 13। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मैं निकाल दी, कोई दिक्कत? दोबारा समझ लो, हमने 256 के फैक्टर्स कर दिए थे और 256 के फैक्टर करने के बाद सिंपल सी बात हमें समझ आ रही थी कि वो 2 की पावर 8 है, यानी कि दोनों साइड में इक्वल के दोनों साइड में जो बेस था वो 2 इक्वल टू 2 है। तो जो हमारे पास बचा है वो क्या है? एक्सपोनेंट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट होगा अगर बेस इज इक्वल टू बेस है तो, यानी कि x माइनस 5 को हम 8 के इक्वल रखेंगे और x इज इक्वल टू फिर 5 ट्रांसफर हो जाएगा तो 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। यस और नो? वेरी गुड, टाइम खत्म हो गया आज का। अरे यार क्यों? मतलब मन करता है सर 2-2 घंटे पढ़ा दो, करता है? यस सर। कोई बात नहीं, आगे टाइम थोड़ा सा निकाल लेंगे आपके लिए, अभी थोड़ा सा और काम करना है मुझे, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके सर, थैंक यू सर। जो पढ़ाता हूँ ना उसे देखा करो आराम से, रिवाइज करा करो, आपको मैं बेसिक से लेके हाई लेवल तक सब सिखा दूंगा। ओके सर, बाय। तो अभी भेज रहा हूँ मैं ग्रुप में, अभी भेज रहा हूँ। सर टेस्ट कब भेजोगे? अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया है, जैसे ये खत्म, कल नहीं लेंगे टेस्ट, कल नहीं लेंगे, कल एक्सपोनेंट वाला पोर्शन और रैशनलाइजेशन का थोड़ा सा पोर्शन है उसे खत्म कर देते हैं, फिर हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट होता है फर्स्ट चैप्टर का, बहुत बड़ा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, फिर उसके बाद हम टेस्ट सोचेंगे। अभी रुक जाते हैं टेस्ट दिन दे देना फिर से एक बार रिवीजन के लिए। हाँ तो दे रहा हूँ ना, रिवीजन हो तो रही है साथ के साथ, एक एक चीज आराम से बता तो रहा हूँ, नहीं बता रहा। अब हमारी क्लास के अंदर 14 स्टूडेंट। हाँ बोल बेटा बोल, सब कैमरे ऑन करो, शाबाश। सेल्फ स्टडी के लिए। हाँ सेल्फ स्टडी के लिए मैं डाल दूंगा तुम्हारे ग्रुप में क्वेश्चंस। कैमरा ऑन करो सब। तो कई बच्चे बड़े ढीठ हैं यार, सुनते नहीं है, मतलब पता नहीं क्यों सर की बात नहीं मानना चाहते, सर से नाराज है, खुश नहीं है, गुस्सा है, लड़ाई कर लो भाई। अब यशवी आप भी हर बार बुलवाते हो लेकिन आप ढूंढना पड़ता है मुझे। तो अभी अभी आपको जितना पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है? मैथ्स इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज ईजी, बस कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सिद्धक प्रीत तुरतुसी कितने गए भाजी? 12। अच्छा बातें नहीं करनी है, एग्जिट करना है, काम करेंगे, मैथमेटिक्स में डरेंगे नहीं बिल्कुल भी, जो चीज़ नहीं समझ आएगी पूछेंगे, राइट रॉन्ग। आई होप आपको स्कूल से ज़्यादा अच्छा मैथ समझ आएगा यहाँ पर और आ रहा होगा। अगर सोचो आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कैसा पढ़ाऊँगा? ऐसा ही पढ़ाऊँगा जैसे पढ़ा रहा हूँ यार। अच्छा तभी पढ़ा रहा हूँ, बस आप सीखो आराम से, बस बात किया करो मुझसे, नहीं समझ आ रहा तो बोलो। ओके सर, ठीक है, बाय 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 सर, बाय सर, बाय सर।